अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल होटलों जैसी व्हाइट कढ़ाई हम लोग घर में बना सकते हैं। ये टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो टाइम को जाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अदद पैन में एक कप ऑयल लिया है, फ्लेम मीडियम है, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद तेज पात। इन सब चीज़ों को 1 मिनट के लिए तेल में फ्राई करना है। अब इसमें शामिल किया 1 किलो चिकन। चिकन शामिल करने के बाद अब चिकन को भी 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करना है। सात आठ मिनट फ्राई करने के बाद चिकन जो है बहुत अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब उसी ऑयल में 2 दरमियाने साइज की प्याज जिनका पेस्ट बना लिया था वो शामिल किया। मीडियम फ्लेम पे प्याज को गोल्डन करना है। यहाँ पर 5 से 6 काजू हैं और 3 हरी मिर्चें हैं, इन दोनों का पेस्ट बना लेना है। अब प्याज में शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर है। 4 से 5 मिनट लगेंगे प्याज को गोल्डन होने में। अब यहाँ पर शामिल करना है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून जीरा। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अब जो काजू और हरी मिर्चें उनका पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया। अब यहां पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। अब इसमें शामिल किया फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। फ्लेम मीडियम है। अब दूसरी तरफ 1 अदद बाउल में 1 कप दही और 1/2 कप करीम, इन दोनों को मैंने मिक्स करके रखा है। अब इसमें शामिल किया 1 टीस्पून कुटा जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगी इसमें सफ़ेद मिर्च। इन तीनों चीज़ों को दही और करीम में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब करीम और दही का जो मिक्सचर है इसको चिकन में शामिल कर दिया। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। अब फ्लेम को लो पे करके इसको कवर करना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही दम वाली आंच पे रखना है। तब तक चिकन जो है वो भी अच्छे से नरम हो जाएगी और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। 20 मिनट के बाद इसका कवर हटाया तो बस ये हमारी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनी है। अब इसके ऊपर छड़का सब्स धनिया चॉप किया हुआ और थोड़ी सी अदरक। तो बस ये हमारी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार है। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनी है और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये बहुत कम मिसालों में बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है।